हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट को डेडिकेट करती हूँ, और इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर कोई स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन ले सकता है, चाहे उसके पास कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो या फिर कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। स्टार्टिंग में मैं आईआईटी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी आपको। उसके बाद मैं डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो आईआईटी प्रोवाइड कराती है, जो कि कोई भी स्टूडेंट 12th करने के बाद या बैचलर करने के बाद या फिर मास्टर्स करने के बाद कर सकते हैं। और इन कोर्सेज को करने के लिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और ये सब कोर्सेज आप डिफरेंट ब्रांचेज या सब्जेक्ट में कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ये सब जानने के लिए। Begin। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी। आईआईटी को प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में से एक माना गया है, इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी। इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज हैं, जो कि मैंने लिस्ट में शो किया हुआ है, और इनमें से कुछ आईआईटीज रिसेंटली ओपन हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके वजह से सारे स्टूडेंट्स को और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये सारी आईआईटीज के इंडिविजुअल लोगो हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि सारी आईआईटीज अपने आप में ही यूनिक हैं। बट मैंने सबको एक साथ इसलिए लगाया है एक ही जगह पर, जिससे कि एक यूनिटी को शो कर सके। आईआईटी पढ़ाई के साथ साथ फैसिलिटीज जो वो प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए भी काफी फेमस है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सारी आईआईटी की अपनी इंडिविजुअल लाइब्रेरी है, और ये सारी लाइब्रेरी वेल फर्निश्ड एंड वेल एयर कंडीशनड होती है। सारी आईआईटीज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफी अच्छे लेवल पे होती है। हर एक आईआईटीज में काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आईआईटी की हॉस्टल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, जो कि मैंने खुद ही पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, और मैं एक जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको आईआईटी के हॉस्टल लाइफ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहें और जरूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। IIT जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि JEE के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जिसके थ्रू स्टूडेंट बीटेक करते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगी कि बीटेक के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो कि हम कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं, 12th के बाद क्या करें, बैचलर्स के बाद क्या करें, मास्टर्स के बाद क्या करें। ये तीन फेज स्टूडेंट की लाइफ में कभी ना कभी तो जरूर आता है, जब स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि करियर में आगे क्या करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप आईआईटी में कैसे जा सकते हैं इन तीन फेजेस के टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको 12th क्लास के बाद बताती हूँ। इस टाइम तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको क्या करना है। तो आप 12th के बाद आप बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ डिजाइन, या फिर आप ड्यूअल कोर्स भी कर सकते हैं, बीटेक और एमटेक का। और ये शायद आपने नहीं सुना होगा, हम आईआईटी से बीए और एमए भी कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आप बैचलर्स के बाद क्या कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर किसी नॉन आईआईटी कॉलेज से करा हुआ है तो आप तब भी आईआईटी में आ सकते हैं। तो उसके लिए आप मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए कर सकते हैं। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप मास्टर ऑफ फिलोसफी कर सकते हैं। और आईआईटी ये इंटीग्रेटेड भी कराता है, जिसमें आप एमएससी और पीएचडी का एक ड्यूअल कोर्स भी कर सकते हैं। अब मैं आपको मास्टर के बाद में बताती हूँ, अगर आपने मास्टर्स भी करा हुआ है किसी नॉन आईआईटी कॉलेज से, तो
तो आप आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी, इसमें आप मास्टर प्लस पीएचडी दोनों का एक प्रोग्राम होता है वो कर सकते हैं, और लास्ट में आप पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं यानी कि पोस्ट डॉक्टरेट। सारे कोर्सेज के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप आईआईटी में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्वेल्थ में आए अगर, और अगर ट्वेल्थ के बाद आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मोस्ट फेमस आप आईआईटी जेई का एग्जाम दे सकते हैं जो कि है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आप बीटेक या फिर एक ड्यूअल कोर्स भी कर सकते हैं बीटेक और एमटेक का। ट्वेल्थ के बाद आप एक और एग्जाम दे सकते हैं जो कि है अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, जिसको जिस भी स्टूडेंट को डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो ये एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है और आईआईटी में आ सकता है। सो इस एग्ज़ाम के थ्रू आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं। नॉन साइंस साइड स्टूडेंट के लिए भी एक खुशखबरी है, आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जाम यानी कि HSEE का एग्जाम दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप इंटीग्रेटेड MA यानी कि एक ड्यूअल कोर्स होता है जिसमें आप बैचलर ऑफ आर्ट एंड मास्टर ऑफ आर्ट का एक कॉम्बिनेशन का प्रोग्राम आप कर सकते हैं और आप IIT में आ सकते हैं। और अब मैं बताऊंगी अगर आपने BSc करी हुई है या BS किया हुआ है तो आप IIT में जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc यानी कि IIT JAM के थ्रू आ सकते हैं, जिसके थ्रू आप MSc MTech का ड्यूअल कोर्स कर सकते हैं, MSc MS का ड्यूअल कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप इंटीग्रेटेड PhD यानी कि MSc और PhD का एक ड्यूअल कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री ली हुई है जिसमें आपने BSc किया हुआ है या फिर BA किया हुआ है या फिर BBA किया हुआ है, कुछ भी बैचलर डिग्री की हुई है आपने, तो आप कैट के एग्जाम दे सकते हैं। ये भी आपने शायद सुना ही होगा, कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसके थ्रू आप MBA कर सकते हैं IIT से। अब मैं आपको बताऊंगी अगर आपने बी डिजाइनिंग करी हुई है नॉन IIT से और अगर आप IIT से फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन दे सकते हैं CEED। तो इस एग्जाम के थ्रू आप MDes यानी कि मास्टर ऑफ डिजाइन या फिर PhD भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अगर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर आपने बीएससी और एमएससी कर रखा है या फिर आपने बीएस और एमएस करा हुआ है तो आप गेट के एग्जाम दे सकते हैं यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो इस एग्जाम के थ्रू आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी में या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर आप पीएचडी भी कर सकते हैं। और अगर आपने एमएससी किया हुआ है या फिर बीटेक किया हुआ है या फिर एमटेक किया हुआ है तो आप एक और एग्जाम दे सकते हैं CSI UGC NET JRF। सो बेसिकली ये है रिसर्च फेलोशिप है, इसके थ्रू आप PhD कर सकते हैं IIT में। सो ये समरी है सारे एग्जाम्स की जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितने सारे एग्जाम्स के थ्रू IIT में आ सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कोर्सेज में क्या क्या ब्रांचेस होती हैं और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। बैचलर कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो बीटेक में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एंड मैनी मोर, बहुत सारे ऑप्शन हैं बीटेक के लिए। BS में आप केमिस्ट्री से कर सकते हैं, फिजिक्स से, इकोनॉमी, इकोनॉमी इज अ नॉन साइंस सब्जेक्ट जो कि आप IIT से कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। अगर आप ड्यूअल कोर्स करना चाहते हैं तो ड्यूअल कोर्स में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, मेटलर्जिकल, मटीरियल साइंस, फिजिक्स एंड मैनी मोर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप मास्टर्स या फिर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो एमटेक में आपके पास ये लिस्ट है पूरी जिसमें है एरोस्पेस इंजीनियरिंग से आप एमटेक कर सकते हैं, CS से कर सकते हैं दैट इज कंप्यूटर साइंस, केमिकल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से,
फिजिक्स, सॉलिड स्टेट मटेरियल्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, टेक्सटाइल एंड मेनी मोर, काफी सारे हैं ऑप्शंस आपके पास। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं आईआईटी से तो आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जियोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। अगर आप ड्यूअल कोर्स करना चाहते हैं एमएससी और पीएचडी का तो तब भी आपके पास काफी ऑप्शंस हैं, जिसमें आप फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स एंड जियोफिजिक्स। और अगर पीएचडी में लेना चाहते हैं तो पीएचडी में तो काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ब्रांच, इसमें सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस आते हैं, तो मैंने सिर्फ एक इसको कॉमन नेम दिया हुआ है, ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज इज अ नॉन साइंस सब्जेक्ट, तो ये जिसके पास साइंस स्ट्रीम नहीं होगी वो भी कर सकता है पीएचडी आईआईटी से। एनवायरमेंटल, तो जिसको एनवायरमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है तो वो भी पीएचडी कर सकता है यहाँ से। और बायोटेक्नोलॉजी और मैनी मोर, बहुत ज्यादा ऑप्शन है पीएचडी के लिए। सो मैंने आपको सारे कोर्सेज के बारे में बताया है इस वीडियो में, और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो कि आप दे सकते हैं, और कौन कौन सी फील्ड होती है या फिर ब्रांचेस होती है जिसमें आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कितने ज्यादा ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हैं इसके थ्रू, और आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ आप बीटेक से ही कर सकते हैं कुछ या कुछ भी, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन दैट यू कैन डू टू गेट इनटू द आईआईटी। सो आप ये इंफॉर्मेशन सबको स्प्रेड करें, अगर आपको कुछ नई चीजें पता चली हैं इस वीडियो के थ्रू तो सभी को अवेयर करें और सबको बताएं कि ये सारे कोर्सेज होते हैं, और अपने जूनियर्स की हेल्प करें। और लाइफ में हमेशा याद रखें कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, वो चाहे किसी भी मीडियम से हो, चाहे आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या किसी को पढ़ाकर दे रहे हैं, बस हमेशा लाइफ में ये अपना मोटिव रहना चाहिए कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है और हमेशा एक मिलकर रहना है। आईआईटी से रिलेटेड मैं सारी बातें या फिर इन्फॉर्मेशन जो भी होगी मैं जरूर शेयर करूंगी इस चैनल पे, तो आप हमेशा जुड़े रहें इस चैनल से। अगर आपका सपना है कि आईआईटी में आए और आईआईटी की लाइफ देखें कि कैसी होती है, तो आप जरूर अपने सपने पूरे करें। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए, ऐसे ही मैं और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूंगी आपके साथ। सो अब आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं, हमेशा मोटिवेटेड रहें, फोकस्ड रहें और डिसिप्लिन में रहें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।